आपका चैनल म्यूजिक का संसार। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 7th ईयर वोकल प्रयाग संगीत सिलेबस गायन तंत्र एवं सुशीर वाद्य फर्स्ट पेपर शास्त्र 100 प्रयाग संगीत समिति सप्तम वर्ष सिलेबस क्रियात्मक परीक्षा 200 अंकों की होगी जिसमें 100 अंक प्रश्नमूलक प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए और 100 अंक मंच प्रदर्शन के लिए होंगे। शास्त्र के दो प्रश्न पत्र 50-50 अंक के होंगे। उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक आवश्यक है। प्रथम से षष्ठम वर्ष तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम भी इस परीक्षा में सम्मिलित है। क्रियात्मक प्रश्न मूलक प्रयोगात्मक परीक्षा निम्नलिखित 15 रागों का विस्तृत अध्ययन शुद्ध सारंग मारु बिहाग नंद हंसध्वनि मलुहा केदार जोग मधुमात सारंग नारायणी अहीर भैरव पूरिया कल्याण आभोगी कान्हडा सूर मल्हार चंद्रकौस गुर्जरी तोड़ी और मधुबंती का गायन के परीक्षार्थियों के लिए उपर्युक्त सभी रागों में विलंबित और द्रुत ख्याल को विस्तृत रूप से गाने की पूर्ण तैयारी। इनमें से कुछ रागों में ध्रुपद धमार तराना चतुरंग आदि कुशलता पूर्वक गाने का अभ्यास परीक्षार्थियों की पसंद के अनुसार किन्हीं भी रागों में ठुमरी भजन अथवा भाव की सुंदर ढंग से गाने की तैयारी। ख तंत्र वाद्य तथा सुशीर वाद्य के परीक्षार्थियों के लिए उपर्युक्त सभी रागों में सुंदर आलाप जोड़ विलंबित ख्याल या मसीत खानी तथा द्रुत छोटा ख्याल या रजा खानी गतों को विस्तृत रूप से बजाने की पूर्ण तैयारी। तीन ताल के अतिरिक्त कुछ अन्य कठिन तालों में भी इनमें से कुछ रागों में बंदिशें बजाने का पूर्ण अभ्यास परीक्षार्थियों की पसंद के अनुसार किन्हीं भी रागों में धुन अथवा ठुमरी अंक का बाद सुंदरता पूर्वक बजाने का अभ्यास। तीन निम्नलिखित 15 रागों का पूर्ण परिचय आलाप द्वारा इनके स्वरूप का स्पष्ट रूप से प्रदर्शन तथा इनमें से कोई भी एक एक बंदिश गाने अथवा बजाने का अभ्यास। इन बंदिशों को विस्तार रूप से गाने बजाने की आवश्यकता नहीं है। बंगाल भैरव रेवा हंसकिन केनी जलधर केदार जैत मारवा थॉट धनाश्री काफी थॉट भीम शहाना भूपाल तोड़ी आनंद भैरव सरपरदा गारा धानी जयंत मल्हार गोपिका बसंत चार प्रथम तथा षष्ठम वर्षों तक के और इस वर्ष के सभी रागों को गाए तथा बजाए जाने पर पहचानने में निपुणता। पांच प्रचलित तालों को ताली देकर विभिन्न लयकारियों में बोलने का पूर्ण अभ्यास तथा उनके ठेकों को तबले पर बजाने का साधारण अभ्यास। छह निम्न तालों का पूर्ण परिचय तथा इन्हें ताली देकर लयकारियों में बोलने का अभ्यास पश्तो फरोदस्त खेमटा गणेश मंच प्रदर्शन में परीक्षार्थियों को सर्वप्रथम उपर्युक्त विस्तृत अध्ययन के 15 रागों में से अपनी इच्छानुसार किसी भी एक राग में विलंबित और द्रुत ख्याल अथवा गत लगभग 30 मिनट तक अथवा परीक्षक द्वारा निर्धारित समय में पूर्ण गायकी के साथ गाना या बजाना होगा। तत्पश्चात थोड़ी देर किसी राग की ठुमरी अथवा भजन या भाव गीत भी सुनाना होगा या ठुमरी अंक की कोई चीज या धुन को बजाना होगा। प्रथम प्रश्न पत्र शुद्ध सिद्धांत गायन तंत्र तथा सुशीर वाद्य के परीक्षार्थियों के लिए पिछले सभी वर्षों के पाठ्यक्रमों गायन और तंत्र वाद्य में दिए गए सभी शुद्ध शास्त्र संबंधी विषयों तथा पारिभाषिक शब्दों का विस्तृत और आलोचनात्मक अध्ययन संगीत के सिद्धांतों का वैज्ञानिक और व्यवहारिक विश्लेषण संगीत की उत्पत्ति तथा इसके संबंध में आलोचनात्मक विचार श्रुति समस्या श्रुति स्वर विभाजन एवं सारणा चतुष्टी का विस्तृत एवं आलोचनात्मक अध्ययन। ऐसे ही इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित अनेकों जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कृपया कमेंट जरूर करें। ग्राम मूर्छना आधुनिक संगीत में मूर्छनाओं का प्रयोग जाति गायन और इसका राग गायन में विकसित होना इत्यादि पर यथेष्ट अध्ययन। भारतीय संगीत के इतिहास का काल विभाजन इसके संबंध में विभिन्न मतों के विषय में पूर्ण जानकारी प्राचीन काल में भारतीय संगीत के इतिहास तथा इसके स्वरूप पर पूर्ण रूप से विचार वैदिक संगीत और उसके विचार पौराणिक काल का संगीत भरत काल का संगीत मौर्य काल कनिष्क काल गुप्त काल का संगीत तथा प्रबंध गायन का काल हिंदुस्तानी संगीत के विकास में भरत नारद मतंग जयदेव और शारंगदेव के योगदान का विस्तृत अध्ययन।
14वीं शताब्दी के पूर्व के निम्न संगीत ग्रंथों का अध्ययन और उनके निष्कर्ष तथा उनमें वर्णित श्रुति स्वर, शुद्ध तथा विकृत स्वर, शुद्ध मेल, राग वर्गीकरण, राग स्वरूप, गायन प्रणाली आदि विषयों का विस्तृत आलोचनात्मक तुलनात्मक अध्ययन, एक भरत कृत नाट्य शास्त्र, दो मतन कृत बृहद्देशी, तीन नारदीय शिक्षा, चार संगीत मकरंद, पाँच जयदेव कृत गीत गोविंद, छह शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर, कर्नाटक संगीत पद्धति के स्वर राग ताल और गायकी के संबंध में पूर्ण जानकारी तथा उनकी विशेषताएं, और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के स्वर राग ताल गायकी से उनकी तुलना। निम्नलिखित विषयों का विस्तृत अध्ययन, स्वर गुणांतर, स्वर संवाद, स्वयंभू स्वरों का अध्ययन, हार्मोनी, मेलाडी, पाश्चात्य स्वर सप्तक का विकास, षड्स पंचम तथा षड्स मध्यम भाव से सप्तक की रचना, भारतीय स्वर सप्तक का विकास, कला और शास्त्र, संगीत कला और विज्ञान, संगीत का कला पक्ष और भाव पक्ष, गमक और इसके विभिन्न प्रकार, ध्वनि शास्त्र से संबंधित निम्नांकित विषयों का विस्तृत अध्ययन, ध्वनि विज्ञान, ध्वनि की उत्पत्ति आंदोलन, ध्वनि का वहन, ध्वनि वेग वेलोसिटी ऑफ साउंड, अतिस्वर ओवरटोन्स, ध्वनि की थरथराहट या डोल बीट्स, तारता तीव्रता, ध्वनि की जाति अथवा गुण, ध्वनि का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का आवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि विवर्तन डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, अनुनाद रेजोनेंस, प्रति ध्वनि एको, इष्ट स्वर कॉन्सोनेंस, अनिष्ट स्वर डिसोनेंस आई। प्रथम से षष्ठम वर्षों तक के पाठ्यक्रम में दिए गए वाद्य संबंधित सभी पारिभाषिक शब्दों का विस्तृत, जैसे मींड, सूत, घसीट, गमक, कर्ण, खटका, कृंतन, जमजमा, लाग डाट, लड़ी गुत्थी, लड़गुथाव, छूट, पुकार, तार परन, छंद, फिक्रा आदि। संगीत विषयों पर लेख लिखने की विशेष क्षमता। द्वितीय प्रश्न पत्र, क्रियात्मक संगीत संबंधी शास्त्र, गायन एवं वादन के अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम से षष्ठम वर्षों तक के क्रियात्मक संगीत संबंधित शास्त्र का विस्तृत एवं आलोचनात्मक अध्ययन, पाठ्यक्रम के सभी रागों का विस्तृत आलोचनात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन, रागों के न्यास स्वर, अल्पत्व बहुत्व के स्वर, विवादी स्वर और उनका प्रयोग, तिरोभाव आविर्भाव का प्रदर्शन, संप्रकृति रागों की तुलना, रागों में अन्य रागों की छाया आदि विषयों के संबंध में विस्तृत ज्ञान, विगत वर्षों के सभी रागों का भी पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। डॉट भारतीय वाद्यों का वर्गीकरण, प्राचीन मध्यकालीन तथा आधुनिक तंत्रवाद्यों का परिचय, वाद्यों द्वारा उत्पन्न होने वाले स्वयं भू स्वरों का यथेष्ट ज्ञान, भू गायन तथा तंत्रवाद्यों की गायन अथवा वादन शैलियों के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत आलोचनात्मक और तुलनात्मक अध्ययन, पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धतियां जैसे सोल्फा पद्धति, चीव पद्धति, न्यूम्स पद्धति तथा स्टाफ नोटेशन पद्धति का विशेष आलोचनात्मक तथा तुलनात्मक ज्ञान, कार्ड्स कॉर्ड्स एवं उनका प्रयोग, पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति के गुण एवं दोष, गायन अथवा तंत्र वादन के विभिन्न घरानों का जन्म इतिहास, उनका विकास तथा उनकी वंश परंपराओं का पूर्ण ज्ञान, उनकी गायन अथवा वादन शैलियों का परिचय, उनकी विशेषताओं का विस्तृत आलोचनात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन, देश में प्रचलित स्वरलिपि पद्धतियों का विस्तृत आलोचनात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन, भारतीय संगीत के भावी विकास संबंधित सुझाव तथा इस दृष्टिकोण से लिपि पद्धति का समीक्षात्मक अध्ययन, कब विभिन्न प्रकार के गीतों तथा उनकी गायकी को विभिन्न लयकारियों में लिखने का पूर्ण ज्ञान, खत तंत्र वादन में जोड़ आलाप, गत तान तोड़े झाला आदि को विभिन्न लयकारियों में लिपिबद्ध करने का पूर्ण ज्ञान, 9वीं-20वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध गायक अथवा तंत्र वादकों की जीवनियां, संगीत में उनका योगदान तथा गायन अथवा वादन शैलियों की विशेषताओं का विशेष अध्ययन, 10 तानसेन और उनके वंशज तथा सेनी घराने की शिष्य परंपरा की पूर्ण जानकारी, इस घराने के गायकों अथवा तंत्र वादकों की गायन अथवा वादन शैलियों का विस्तृत अध्ययन,
11. पिछले सभी पाठ्यक्रमों में निर्धारित सभी तालों का पूर्ण ज्ञान तथा उन्हें विभिन्न प्रकार की कठिन लय कार्यों में लिपिबद्ध करने का पूर्ण ज्ञान। 12. क्रियात्मक संगीत संबंधी विषयों पर लेख लिखने की पूर्ण क्षमता। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने साथियों के संग। म्यूजिक का संसार में बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। शेयर द नॉलेज। ऐसे ही इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित अनेकों जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कृपया कमेंट जरूर करें।